आम जनता पर महंगाई की मार बढ़ती ही जा रही है। 1 दिसंबर 2021 को सरकारी तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडर के दाम में भी इजाफा कर दिया है। आज से गैस सिलेंडर 100 रुपए महंगा हो गया है, वहीं पिछले महीने ये सिलेंडर 266 रुपए महंगा हो गया था। बता दें कि ये इजाफा सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर पर हुआ है, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी रसोई गैस के लिए आपको पुराने वाले रेट ही चुकाने होंगे। उत्तर प्रदेश के युवाओं का निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। उम्मीद है कि सरकार इसी महीने के दूसरे सप्ताह से इनका वितरण शुरू करा देगी। इसके लिए डीजी शक्ति नाम से पोर्टल जो है वो बनाया गया है, जिसे जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे और पोर्टल के माध्यम से ही स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया जाएगा और छात्रों को भविष्य में पढ़ाई के लिए कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ही छात्रों को निशुल्क स्मार्टफोन और टैबलेट देने की घोषणा पहले ही कर चुके हैं और पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगने के बाद कवायद तेज कर दी गई है। अब इसके वितरण के लिए भी प्रक्रिया अंतिम चरण में ही है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया है कि छात्रों को कहीं भी पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है। पंजीकरण से लेकर स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण तक पूरी व्यवस्था निःशुल्क है। छात्रों का डेटा जो है वो कॉलेजों द्वारा विश्वविद्यालय को दिया जा रहा है। विवि छात्रों के डेटा की फीडिंग जो है वो हो रही है और सोमवार तक करीब 27 लाख छात्रों का डेटा पोर्टल पर अपलोड भी कर दिया गया है और शेष अन्य छात्रों के लिए भी डेटा फीडिंग की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की सजा पर सुप्रीम कोर्ट 18 जनवरी को विचार करेगा। माल्या को 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अवमानना का दोषी करार दिया था और कोर्ट ने कहा था कि दोषी का प्रत्यर्पण जो है हो या ना हो, सजा पर फैसले के लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। जस्टिस यू ललित की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि दोषी अपने वकील के माध्यम से पक्ष रख सकता है। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता को मामले में अपनी सहायता के लिए ही एमिकस क्यूरी के नियुक्त किया था। बैंकों के हजारों करोड़ रुपए हजम कर फरार माल्या को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2017 को ही अवमानना का दोषी ठहराया था। उसे डिएगो डील के $40 मिलियन और अपने बच्चों के विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर करने और संपत्ति का सही ब्यौरा ना देने के लिए अवमानना का दोषी करार दिया गया था। उसकी पुनर्विचार याचिका भी खारिज की जा चुकी है। इससे पहले 5 अक्टूबर 2020 को ये मामला कोर्ट में आने लगा था और उस दिन ही जजों ने इस बात पर हैरानी जताई थी कि यूके के अदालत में प्रत्यर्पण पर ही कानूनी लड़ाई हार जाने के बाद भी विजय माल्या अब तक वहां कैसे जमा है। जब केंद्र ने वकील ने कोर्ट ने बताया कि भारत सरकार की तरफ से प्रेरण की सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी कर लेने के बाद अब यूके में कोई गुप्त कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, भारत सरकार को इसमें पक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए ये नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा। केंद्र के वकील ने आज भी यही बात कही है।